अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की गपशप का एक बुनियादी टॉपिक एक भाई ने दिया था और उन्होंने कहा था जी हैवी बोन स्ट्रक्चर कैसे होता है डॉग का, मतलब हम क्या दें कि उससे हैवी हो जाए हेड बोन मज़ल। तो इस पर बात करते हैं। फ़िलहाल तो बस घर से निकल रहा था। अच्छा तो यार सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये देखना है कि उसके माँ बाप का हैवी बोन स्ट्रक्चर है या नहीं है। अगर तो माँ बाप का नहीं है फिर भाई बहुत मुश्किल है कि अब इनका हो, ये तो एक खरी और साफ सी बात है। अच्छा माँ बाप का अगर है और उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि अब जो है ना आपके जो पपीज़ हैं उनका ज़्यादा हो, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो उसका एक तरीका है कि उसमें आप चंद एक चीज़ें सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं तो उससे मज़ीद अच्छा हो जाता है। उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है ओसिनेट डी सिरप। ओसिनेट डी सिरप दें वो बहुत अच्छा, और फिर ओसिनेट डी सिरप के साथ एक और सिरप आता है ओस बॉन्डी, उसके साथ आप बचपन से ही बेहतर ये है कि अगर रॉयल कैनन शुरू करते हैं तो, क्योंकि रॉयल कैनन में अभी कुछ मसले थोड़े से ख़राब भी आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मसले ख़राब तो आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप किसी अच्छी शॉप से लेते हैं अच्छी जगह से लेते हैं तो उसके बावजूद भी आपको ये डर होगा कि यार ये लोकल मेड, क्योंकि पाकिस्तान में बन रही है भाई राय कहना। बकौल एक डॉक्टर साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे साफ बताया था कि भाई पाकिस्तान में बन रही है, इधर उधर को छोड़ दें, ये तो अब पाकिस्तान के बीच में लाहौर के बीच में बनना शुरू हो गया। ऑनलाइन तो खुसूसन जितनी जगह पर बन रही है उससे बचें। तो ये एक डॉक्टर साहब का कहना है जो कि ख़ुद लाहौर के रहशी हैं और पेट्स वगैरह भी उन्होंने रखे हुए हैं, उन्होंने कुछ इस पर रिसर्च भी की थी कि एक बैग जो है उन्होंने कहीं से किसी दोस्त के थ्रू आया कि यार ये खाकर डॉग जो है वो बीमार हो गया, उसको फिर उन्होंने जब चेक करवाया तो वो सीरीज़ मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई थी जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, बैग की सीरीज जो थी। तो ये इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो बहरहाल ये है कि आप उसको रॉ कीमा दें, सबसे बेस्ट तो ये रॉ कीमा दें, और रॉ कीमे के साथ साथ ओसोबोन डी या ओसिनेट डी, इन दो सिरप में से कोई भी सिरप 2-2 ml सुबह शाम। अगर पपी आपका हो गया है चार महीने से छोटा है तो आप उसको 1 ml सुबह 1 ml शाम, और फिर इसी तरीके से जब 8 महीने का हो जाए तो 8 महीने वाले को आप 3 ml सुबह 3 ml शाम दे सकते हैं। अच्छा रॉ कीमा बहुत ज़रूरी है। अब रॉ कीमा कौन सा, वो नहीं यार जो अभी आजकल मिल रहा है उसमें हड्डी भी है और मंज भी है, और वो नहीं, आप खुद जाएँ सिरी का गोश्त लें, सिरी के गोश्त बड़े जानवर की सिरी उसका गोश्त लें, और उसके साथ साथ आप यानी वो एक सिरी में से तकरीबन 6-7 किलो गोश्त निकल आता है, 6-7 किलो गोश्त के साथ आप 1.5 किलो कलेजी डलवा लें, 1.5 किलो फिफरा डलवा लें, और आप डलवा लें जी 1.5 किलो ओजरी, ये डलवा के इस सारे का कीमा मरवा लें, सारे का कीमा करवा के फिर वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपने शुरू करना है, और ये आपने फिर ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है अनटिल एंड अनलेस कि उसका स्टमक लूज़ जब हो तो उस वक्त आपने ब्रेक करना है, और जितना उससे लास्ट स्टेप में आपने बढ़ाया था उसको कम कर देना है, फिर 5 दिन वेट करना है, साथ अपने एंटामाइजोल सिरप रख लेनी है अपने पास, वो पपी के लिए कह रहा हूँ, तो आपने वो सिरप फिर उसको 2 ml सुबह 2 ml शाम देनी है, उसका पेट सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर 3-4 दिन का बीच में ब्रेक देने के बाद फिर आपने दोबारा से उसकी थोड़ी सी फूड बढ़ानी है,
और उस तरतीब को आपने जारी रखना। ये एक जनरल डाइट प्लान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जिस वक्त। मिसाल के तौर पर हो सकता है उसे सूट ही ना कर रहा होगा कीमा, हो सकता है उसे वो सिरप ना सूट कर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब वो चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ़ डॉग्स के साथ, मुख्तलिफ़ ब्रीड के साथ मुख्तलिफ़ होती हैं, तो फिर उसमें चेंजिंग्स आती हैं। हम कहते हैं चलो यार ठीक है, ये चीज़ ख़त्म कर दो, इसकी जगह पे हम ये दे सकते हैं, वो शुरू कर। तो ये इस तरह होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो डाइट प्लान है वो तो एक दो ढाई महीने की सरदर्दी वाला काम है, तो उसको अगर मैं करूँगा तो मैं उसकी फ़ीस चार्ज करता हूँ। बहरहाल बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो मैंने एक जनरल डाइट प्लान और जनरल तरीका बता दिया है, इसको फॉलो करो करें, होपफुली होपफुली आपको रिजल्ट्स हासिल हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर दुआ कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि रब्ता कर लेना, फिर देखेंगे क्या होता है। क्योंकि बहरहाल बीमारी और इसके हवाले से जो इमरजेंसी होती है उसमें जो भी मेरे बस में आती है, जो मेरी समझ में आती है, मैं वो तो बग़ैर किसी उसके बताता हूँ। बेशक किसी टाइम कोई बंदा फ़ोन कर दे पूछे, इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। लेकिन ये है कि यार ये जो डाइट प्लान वाला खाता है उसका मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, और फिर बहुत सारे दोस्त फिर वही बात पूछ रहे होते हैं, तो उस पर मैं माजरत ही करता हूँ। अच्छा तो ये तो रही बात। अच्छा कुछ लोग कहते हैं गोल वाले बाउल में डाल के वो करें तो जनाब वो जो ना होगा क्या नाम है, ज़्यादा वो होता है गोल जो बाउल है उसमें अगर खाना डाल के दें तो उसकी जो मज़ल है ये गोल होता है। यार ये मेरा तो कोई समझ में नहीं आती, मुझे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे भी होता हो। सॉरी मैं चार्जर भूल गया था, किधर गया यार। ये डोर बंद कर लें इधर से। आयशा मेरे बच्चे डोर बंद कर लो। तो बिस्मिल्लाह, कर रहे थे कि हैवी बोन के हिसाब से। तो यार अच्छा दूसरी एक चीज़ यार, रनिंग बहुत ज़रूरी है, रनिंग बहुत ज़रूरी है। डॉग को कम से कम भी एक घंटा सुबह एक घंटा शाम आप वॉक दें, सही तगड़ी किस्म की, खाने से पहले, फिर उसके बाद 10-15 मिनट उसको रिलैक्स होने दें, फिर उसके बाद खाना डालें, फिर उसके बाद कम से कम भी 15-20 मिनट उसके पास बैठें, उसको खुला घूमने दें। स्टूल करेगा आपको पता चलेगा स्टूल कैसा किया। तो इतनी आपने ड्यूटी देनी होगी पप्पी के साथ कि एक घंटा पहले उसको भागने दें, दौड़ने दें, खुद भगाएं भी, वॉक करवाएं, जब थक जाए कम से कम एक घंटा, एक घंटे के बाद फिर 15 मिनट उसको रेस्ट दें, उसके बाद खाना दें, और उसके बाद खाना देने के बाद फिर उसको खुला घूमने दें, और खुला घूमें घुमाएँ भी उस जगह पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये कल आइंदा इसकी तरतीब बने स्टूल करने की। तो अपने हाथ में जेब में कुछ ना कुछ ट्रीट वगैरह रख लें, जैसे ही वो वहाँ पर स्टूल करे उसको ट्रीट दें, शाबाश दें, थपकी छपकी मारें, फिर वो उसकी आदत बन जाती है वहीं पर। जैसे उसको स्टूल आएगा वो उसी जगह पर जाने की कोशिश करेगा, अगर वो बंधा हुआ नहीं है तो वो वहीं पर जाकर स्टूल करेगा। एक तो ये स्टूल की ट्रेनिंग की टिप भी दे दी। तो ये है, लेकिन ये है कि उसको जो है ना वो रोज़ाना की उसकी एक्टिविटी ये रखें भगाने दौड़ाने वाली, इससे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो वो इतनी चीज़ें डाइजेस्ट भी करेगा। अगर उसको बंद करके केज में आपने इतनी चीज़ें डालनी है तो ना वो कीमा इतना खा सकेगा, ना वो आगे सप्लीमेंट्स इतने बर्दाश्त करेगा। तो कम से कम वो चीज़ें तो आपने देनी है। तो ये है, और अभी कितनी होगी वीडियो, 9 मिनट 10 मिनट मेरे ख्याल में काफ़ी है, और बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और बात के साथ। कमेंट्स में अच्छा लगता है यार, आप लोग बताते हैं कि ये है वो है, तो हर बंदे का एक अपना समझने का तरीका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फलां भाई ने ये कहा है तो वो गलत कह रहा है, उसके अपना तजर्बा होगा,
शायद उनके एक्सपीरियंस में वो बात सही आई होगी और वो सही भी होगी, तो शायद मेरे तजर्बे में कुछ और चीज़ आई होगी। तो मैं अपने तजर्बे के साथ ईमानदारी के साथ आपको बताने का मुकल्लद हूँ। अल्लाह ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी रखी है कि जिस चीज़ को मैं सही समझता हूँ मैं अपने जो है ना आगे सुनने वालों को और जहाँ तक बता सकूँ मैं वहाँ तक वो सही बात अपनी ईमानदारी से बता दूँ। हाँ, वो ऐन मुमकिन है कि वो किसी और के लिए फ़ायदा मंद ना भी हो, लेकिन मुझसे पूछ यही होनी है कि क्या तुमने ईमानदारी से बताया था। तो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कहता हूँ मैं पूरी ईमानदारी से बताता हूँ। तो बाकी दुआओं की बहुत दरख्वास्त है जी, दुआओं की बहुत दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।